मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी एक इंस्पेक्टर का मामला लेके आए हैं जिन्होंने दुल्हन का जोड़ा पहनना था, पर कोरोना वायरस के चलते हुए उन्होंने इन सब चीजों को ठुकरा दिया और सबसे पहले अपने फर्ज को समझा और वापस आ गई वो पुलिस स्टेशन। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहां से आ रहा है, इनका क्या कहना है, इसके ऊपर नजर डालेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस काफी ज्यादा घातक हो रहा है और उस दौरान ही आप लोगों को दिन भर खबरें सुनने के लिए मिलती होगी कि काफी सारे लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर वो जो कंकर है वो मार दिए, पत्थर मार दिए, लाठी चार्ज कर दी, उनको मारा या डॉक्टर्स को मारा। तो उस दौरान ही जब हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं, जब प्रवीण जैसी एक महिला के जब हमारे सामने ये मामले आते हैं, जब उनकी शादी होने वाली थी, उन्होंने खुद सोचा कि मुझे शादी नहीं करनी है, और अपने शौहर से, होने वाले शौहर से उन्होंने इजाजत भी मांगी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। उनका कारण ये था कि वो इस वक्त शादी इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको कोरोना वायरस को हराना है। जब उनके हाथ में मेहंदी लगी होनी चाहिए थी, हाथों में बैंगल्स होनी चाहिए थी और पूरे श्रृंगार होना चाहिए था, तब उस वक्त उनके हाथों में डंडा था लोगों को दिखाने के लिए कि वो घर के अंदर रहे, और उस दौरान ही मुंह पे जो कि दुल्हन के श्रृंगार होता है इनके मुंह पे एक मास्क था। इस दौरान ही ये पूरी जगह पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और फोटो जब सबसे पहले जब कुछ लोग रखते हैं तब उन लोगों के लिए हमारे चैनल की तरफ से हम लोग सैल्यूट करते हैं। अगर आप भी करते हैं तो जरूर एक सैल्यूट करके एक कमेंट जरूर कीजिए, या तो जय हिंद करके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।